नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल होंगे। डोंगरगांव में भी संकल्प शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के आला नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, आज राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, संकल्प शिविर का आयोजन तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, कांग्रेस का संकल्प शिविर लगभग अंतिम चरण में है और कोशिश मुख्यमंत्री और कांग्रेस की यही है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाए। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे और मोहला मानपुर विधानसभा में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देते नजर आएंगे। संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं से बातचीत भी उनकी होगी और उसके बाद जो महत्वपूर्ण राजनांदगांव जिला है वहां पर संकल्प शिविर होगा डोंगरगांव विधानसभा में, और उसके बाद राजनांदगांव शहर में जो संकल्प शिविर है वो आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पीसीसी दीपक बैज समेत कांग्रेस के जो आला नेता और पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। यही दिन भर का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और एक तरीके से देखा जाए तो इसके जरिए फीडबैक भी लेने की कोशिश करेंगे उन इलाकों में कि किस तरीके से पार्टी की स्थिति वहां पर है। बिल्कुल हेमंत, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कितनी सक्रियता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जल्द ही कांग्रेस की सूची भी जारी होने वाली है और ऐसे में जाहिर तौर पर संकल्प शिविर है तो जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके साथ भी मंथन होगा। देखिए, निश्चित तौर पर, और जिन देखिए पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होना है, बस्तर की 12 सीटें हैं और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटें हैं। नाम लगभग फाइनल हो गया है, 15 तारीख को यानी नवरात्र के पहले दिन इसकी घोषणा होगी और पहले से ही प्रत्याशियों को हिंट कर दिया गया है कांग्रेस की ओर से कि आपको टिकट मिलने जा रहा है और आप वहां पर तैयारी करें। और जिन विधानसभाओं में संकल्प शिविर हो रहा है वर्षा, वो पहले चरण की सीटें हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता है उनकी कोशिश सही होगी कि कार्यकर्ताओं को वहां पर जीत का मंत्र दिया जाए, साधा जाए और कोई विरोध का स्वर वहां से न। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए।